आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ विरार से रत्नागिरी तलक का सफ़र। तो अभी मैं जितना भी सारा जो लगेज है इस डिक्की में मैं सेट करने का मैं ट्राई करूँगा। बहुत सारे इसमें लगेज रहता है, भले ये CNG कार हो। तो अभी मैं एक एक करके मैं लोड है जितना भी सारा जो लगेज है इसमें मैं सेट करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे रत्नागिरी के लिए। लोड अभी मैंने सेट कर लिया है, यहाँ पे पीछे मैंने तीन बड़े बड़े बैग्स है वो सेट कर लिए हैं। तो अभी हम कुछ ही देर में निकलेंगे रत्नागिरी के लिए। जब भी आप ट्रैवल करें तो एक आप बात ध्यान में रखो, आपके सारे मिरर अच्छे से सेट होने चाहिए, और सामने वाली ग्लास है वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, और बैक वाली ग्लास है वो भी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जब भी हम लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं तो भगवान को याद किया जाता है। तो मेरे दादाजी है, अभी ये नारियल है, वो गाड़ी के ऊपर से निकालेंगे और बाद में आगे जाके फोड़ देंगे। लगभग 8:15 बजे है और हमारी जर्नी है वो स्टार्ट हुई है रत्नागिरी के लिए। जब मैं लॉन्ग ड्राइव को जाता हूँ तो हाईवे को टच होने से पहले एक बार मैं फिर से सारी चीज़ें वो अच्छे से चेक करता हूँ, मिरर वगैरह सेट करता हूँ, क्योंकि आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ी सी भी चूक आपको भारी पड़ सकती है। तो हमेशा मैं ये चीज़ करता हूँ। ओके, सब परफेक्ट है, तो अभी हम लोग फिर से निकलते हैं। देखो, रत्नागिरी जाने के लिए आपको पनवेल होके रत्नागिरी जाना पड़ता है। तो पनवेल जाने के लिए दो रास्ते, एक तो आप ये सामने ब्रिज चढ़ के भी आप जा सकते हो जो कि वो बुमरा वगैरह होके जाएगा, और जो सेकंड जो रास्ता है वो सीधा आपको थाने होके आपको लेके जाएगा पनवेल। तो अभी मैं यहाँ पे मैं ब्रिज नहीं चढ़ रहा हूँ, मैं सीधा में जाऊँगा थाने होके पनवेल। मैं अभी पनवेल में हूँ और मैंने रिफ़िल कर दिया है CNG। देखो, ध्यान में रखो, अगर आप रत्नागिरी जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, तो आपको 2 CNG पंप लगेंगे पनवेल में, तो वहाँ पे आपको फिल करने का है। नॉर्मली क्या है कि आगे भी बहुत सारे CNG पंप लगते हैं, पर वहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है, ये डायरेक्ट लाइन है। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा आपको प्रेशर भी मिलेगा और आप बहुत लंबे तलक आप CNG के ऊपर कार है वो चला सकते हो। आप एक ब्रिज देख रहे हो, बस यहाँ से मुझे अभी लेप लेने का है और मैं सीधा सीधा एक रोड पे पहुँच जाऊँगा, और वो रोड जाता है सीधा गोवा। हमारा इस जर्नी का फर्स्ट ब्रेक है और हम लोग नाश्ता के लिए रुके हैं, कोकन मेजवानी होटल का नाम है, तो इसमें हम लोग नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से हमारी जर्नी है रत्नागिरी के लिए वो कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता हो गया है तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो लंच के लिए होगा दोपहर को। तो यहाँ पे अभी ट्रैफिक भी अभी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी हम लोग ने वड़खड़ भी क्रॉस नहीं किया है, तो फर्स्ट हमें वड़खड़ क्रॉस करने का है। एक बार वड़खड़ क्रॉस किया तो उसके बाद ट्रैफिक है वो थोड़ा कम होगा।
अभी हम ब्रिज पे है, वड़खड़ का ब्रिज है, तो ये जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ट्रैफिक ये बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, खड्डे भी बहुत ज़्यादा हैं, बट जो मैं लास्ट टाइम आया था रत्नागिरी उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम खड्डे हैं, तो ड्राइव करने के लिए भी अच्छा लग रहा है। शायद से ऐसा लग रहा है कि मानगांव पहुँचे हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक लगता है क्योंकि रोड है वो नैरो हो जाता है और यहाँ पे मेन बाज़ार है, उसके बाद आपको फिर से खाली रोड है वो मिलेंगे। ये वन लेन रोड है और यहाँ पे इतनी तो ज़्यादा गाड़ी नहीं रहती है, पर ओवरटेक करते वक्त आपको काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है। नॉर्मली क्या सामने से भी बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है, वो भी बहुत अच्छे खासे स्पीड पे है, तो हमेशा आप याद रखना कि इस रोड पे अगर आपको नहीं मिल रहा है ओवरटेक करने के लिए तो आप मत करो, जब भी आपको सेफ जगह मिलेगी तब भी जाके आप ओवरटेक करो, क्योंकि मेरे अभी देखो सामने बस है और मुझे दिख ही नहीं रहा है कि सामने से क्या आ रहा है, अगर मुझे देखने का है तो मुझे उस लेन पे जाना पड़ रहा है, तो मुझे रिस्क नहीं लेने का है, जैसे भी मेरे को खाली रोड मिलेगा तो वैसे इसको मैं ओवरटेक करूँगा। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और अभी हम रुक रहे हैं लंच के लिए। मैं मानस होटल में सेकंड टाइम विज़िट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम विज़िट किया था तो यहाँ का जो नाश्ता हम लोग ने किया था बहुत ही अच्छा लगा था, तो इसके लिए मैं फिर से अभी विज़िट कर रहा हूँ, बट इस बार मैं नाश्ता नहीं करने वाले हैं, हम लोग अभी लंच करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसे रहेगा। सिटिंग स्पेस अच्छा है, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होता है होटल, और खुली हवा है आती जाती, क्योंकि यहाँ पे एयर पास होने के लिए बहुत ज़्यादा विंडोज़ है, तो अभी हमने कुछ ऑर्डर किया तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग खाते हैं और जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आधा खाना खा के हो गया है क्योंकि इतनी भूख लगी थी तो मैंने वीडियो बनाना भूल गया, बट मैंने वेज कोल्हापुरी मंगाई थी यहाँ पे और रोटी मंगाई थी, तो अभी मैं आपको मैं अपडेट देता हूँ मानस होटल के फूड का। फूड ओके था, मतलब जो मैंने इसके पिछली बार जो नाश्ता किया था बहुत ही अच्छा था, रिजनेबल था, बट जो लंच करने को गए तो थोड़ा फूड है एक्सपेंसिव है, और जो टेस्ट है ओके ओके है, तो अभी हम लोग यहाँ से जर्नी है उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा लगा कि यहाँ पे जो वॉशरूम है अच्छे से क्लीन है, तो अगर आप स्टॉप ले रहे हो वॉशरूम जाने के लिए तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और सीधा अभी जो ब्रेक रहेगा वो ट्रांजिशन ब्रेक रहेगा हमारा। हम लोग जो फील कर रहे थे वो थोड़ा बोर फील कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने कोलीगेट लगाया है। आपको कैसे लगता है कोलीगेट आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। और अभी है वो हम लोग ने आधी दूरी कवर कर ली है, बस अभी आधी दूरी बाकी है। ऐसे जो पैच है उसमें गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है, अगर ऐसा ही पैच मिला गोवा जाने के लिए तो कितना मज़ा आएगा जो भी गोवा जा रहा है, जो भी रत्नागिरी जा रहा है उसके लिए। अभी अभी हमने कचड़ी घाट है उसको कंप्लीट किया है, तो अभी आगे एक शायद से सीएनजी पंप लगता है तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे सीएनजी के लिए, क्योंकि वहाँ पे कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो एक बार जाके हम लोग विज़िट करते हैं पेट्रोल पंप पे। अभी हम खेड़ पे पहुँचे हैं, ये पूरा नाका उसको भरणी नाका बोलते हैं, तो बस यहाँ से अभी 3 से 4 घंटे की दूरी है वो हमें कवर करने की है।
परशुराम घाट लगने से पहले दो सीएनजी पंप यहाँ पे लगते हैं रत्नागिरी जाते वक्त, बट दोनों भी सीएनजी पंप में सीएनजी अवेलेबल नहीं है। तो अभी पेट्रोल तो है गाड़ी में, सीएनजी भी अवेलेबल है थोड़ा बहुत, तो पहले सीएनजी में गाड़ी चलाते हैं। आगे भी एक संगमेश्वर स्टेशन से पहले आगे भी एक सीएनजी पंप है, तो वहाँ पे एक बार हम लोग ट्राई करेंगे सीएनजी के लिए। अभी हम चिपड़ूँ के आसपास पहुँचे हैं, बस यहाँ से अभी 2 घंटे की दूरी है रत्नागिरी के लिए। होटल विसावा में हम लोग रुके हैं, ट्रांजिशन ब्रेक है हमारा और अभी हम कुछ नाश्ता भी करने वाले हैं। नाश्ता में हमने मंगाया है पोहा और चाय। ट्रांजिशन ब्रेक ख़त्म हो गया, नाश्ता कर भी हो गया, अभी ये लास्ट स्टॉप था, तो इसके बाद अभी एक ही स्टॉप होने वाला है संगमेश्वर पे, जो कि हम लोग सीएनजी भरने के लिए रुकेंगे। तो उसके बाद सीधा हम लोग रत्नागिरी के लिए जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। शाम के 7 बजे है और हम लोग ने सीएनजी भरने के लिए स्टॉप लिया है। ये संगमेश्वर स्टेशन आने से पहले ही लगता है और हाईवे टच है, तो आपको आसानी से दिख जाएगा ये सीएनजी पंप। ये है अशोका सीएनजी पंप, ये आपको रत्नागिरी में भी मिल जाएगा और प्रेशर थोड़ा कम है, तो सीएनजी फिल होने के लिए थोड़ा देर लगेगा, बट लगभग 170 तक जा रहा है। ठीक है, मतलब रत्नागिरी तो आराम से गाड़ी पहुँच जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 7 KG तो बैठना चाहिए। ये देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और यहाँ पे आपको आगे जाके होटल भी है, तो एक बड़ा अच्छा मतलब स्टॉप लेने के लिए अच्छा खासा प्लेस है। 59 रुपीज़ का है, लगभग 7 KG इसमें सीएनजी आ गया है। रत्नागिरी जाने के बाद भी सीएनजी रहने वाला है, तो अच्छा खासा सीएनजी इस सीएनजी पंप में फील हुआ है। अभी जर्नी ऐसे शुरू करते हैं और अभी मैं ज़्यादा में व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि अभी आगे जाके बहुत ज़्यादा घाट लगने वाले हैं, तो सिर्फ आपको मैं यहाँ पे विजुअल दिखाऊंगा, फुटेजेस दिखाऊंगा कैसे क्या घाट पे गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता चलेगा। तो सीधा हम लोग मिलते हैं रत्नागिरी पहुँचेंगे तभी। तो अभी हम रत्नागिरी सिटी पहुँचे हैं, तो यहाँ से सीधा हमें राइट लेने का है, तो हम लोग रत्नागिरी सिटी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से बस 5 से 6 किलोमीटर दूर है रत्नागिरी सिटी, तो उसके बाद रत्नागिरी सिटी हमें देखने को मिलेगी। लगभग कुछ 8:30 बजे है और हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली पहुँच गए हैं। थोड़ा जो रास्ता था वो ख़राब है और आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि घाट है, उसमें से विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, सामने से बहुत ज़्यादा बसेस है वो आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रख के कार है वो चलाना पड़ता है। मुझे अगर नेक्स्ट टाइम अच्छे से मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा कि हाउ टू ड्राइव घाट ड्यूरिंग नाइट, तो आपको पता चलेगा कि कार को कैसे चलाया जाता है घाट पे रात के समय। अभी ये है रत्नागिरी सिटी, ये रात के समय ऐसे व्यूज दिख रहे हैं, पर मैं सच बोलता हूँ दोस्तों कि मुंबई में जो शहर रहते हैं ना वैसे ये शहर दिख रहा है, क्योंकि मैं जब भी गांव में आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं गाँव में आया हूँ, क्योंकि ये रत्नागिरी सिटी इतना डेवलप है तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है कि मैं मुंबई में हूँ। फाइनली दोस्तों मैं सेफली रत्नागिरी मेरे घर में पहुँच गया हूँ। आई होप कि ये सारी जो मैंने आपको जर्नी दिखाई वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी रहेगी और आपने एंजॉय किया रहेगा। अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करने का समय आ गया, तो दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।